प्रणाम, माई सेल्फ राहुल दुआ, शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है। को प्रेजेंटेड बाय एको, पेमेंट्स पार्टनर कैश फ्री पेमेंट्स, आइडियाज पार्टनर स्मॉल केस, को पार्ट बाय पोकरबाजी, मनी पार्टनर फाइव मनी, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईट फिट, आईवेयर पार्टनर लेंस कार्ड। तैयार है ना आप? क्योंकि पिक्चर्स, शार्क्स, होस्ट सब तैयार है, आप खुद ही देख लीजिए। आजकल सब इंस्टेंट और क्लिक पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो एक दिन में ही मिल जाते हैं, खाना 20 मिनट में डिलीवर हो जाता है, ग्रोसरीज तो 10 मिनट में ही अवेलेबल है, और तो और आजकल लाइफ पार्टनर भी एक स्वाइप पर मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज की, देन क्या आप में से कभी किसी ने अपने चाहने वाले या परिवार के सदस्य को वक्त पे मदद ना मिलने के कारण से खोया है? I hope not. लेकिन मैंने खोया है। आज भी हमारे देश में 30% लोग अपनी जान गवा देते हैं क्योंकि टाइम से एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में एम्बुलेंस सर्विस की स्थिति अस्त व्यवस्थ, प्रतिक्रियारित, अनुपलब्ध और अविश्वसनीय है। और इन्हीं समस्याओं का सोल्यूशन बनने की एक कोशिश है मेड्यूलेंस। हेलो, आई एम मेड्यूलेंस अपनी हेल्पलाइन और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। मेड्यूलेंस अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ भी टाई अप करती है और एक स्पेशलाइज्ड सब्सक्रिप्शन द्वारा 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेड्यू ERS जो कि है स्टेशन एम्बुलेंस सर्विस, मेड्यू क्लिनिक जो कि एक मेडिकल रूम सर्विस, और मेड्यू अलर्ट जो कि हमारी प्रोमिनेंट सर्विस है जिसमें हम कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज ही नहीं उनके 4 फैमिली मेंबर्स को भी कवर करते हैं। मेड्यूलेंस को आज 5 साल हो चुके हैं और हम 7500 से ज्यादा एम्बुलेंसेज और स्मार्ट एम्बुलेंसेज के नेटवर्क के साथ 60 से अधिक शहरों के अंदर है। हमने 800,000 लोगों की जान बचाई और 200,000 कोविड पेशेंट्स की भी सहायता करी है। सुपर्ब। यही नहीं, हमने दिल्ली जैसे शहर में 35 मिनट से रिस्पॉन्स टाइम घटाकर 11 मिनट कर दिखाया है। अमेजिंग नंबर्स। हम देश के हर कोने तक अपनी सुविधा पहुंचाना चाहते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को एक एम्बुलेंस की देरी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रणव बजाज और मैं रवजोत अरोरा, हम दिल्ली से हैं और हम हैं को-फाउंडर्स मेड्यूलेंस के। तो शार्क्स, टुडे वी आर लुकिंग एट रेजिंग 2 करोड़ इन टर्न फॉर 1% इक्विटी। मुझे आपकी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, तैयार है? आपका वैल्यूएशन सुन के। नहीं नहीं सर, हम ठीक कर देंगे। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। आप हैं प्रणव? यस। और आप हैं रवजोत अरोरा, राइट? यस। शानदार, आपने जब बोला 800,000 जिंदगियां आपने बचाई, दिल को छू गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी यंग एज में आप इतना नोबल कॉज परस्यू कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू। अब आप ये बताइए, अपनी कहानी क्या है, आप लोग कैसे मिले, उसके पहले आप क्या करते थे दोनों? बेसिकली सर, हमारी शुरुआत 2017 में हुई एंड रवजोत और मैं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे एंड आई स्टार्टेड माय करियर वेरी अर्ली एट अ स्टार्टअप कॉल्ड Zomato बैक इन 2012। सॉरी, जैसे आपने कहा वो थोड़ा फनी लगा मुझे, आपने कहा स्टार्टअप कॉल्ड Zomato। बैक देन इट वाज अ स्टार्टअप, तो मैंने बोला जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि यू नो द कल्चर वेयर आई सॉ इट वाज अ स्टार्टअप ओनली इन 2012, राइट? तब से ही मेरे में एक एंटरप्रेन्योरशिप का बग था। उस टाइम पे हमने ये भी देखा दैट प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला एंड उबर भी आ चुके थे, टेकन एडवांटेज ऑफ समथिंग एज सिंपल एज जियो लोकेशन टू प्रोवाइड पीपल विद फास्टर कैब्स। हमने ये सोचा कि हम भी एम्बुलेंस इंडस्ट्री में लोगों को एक बेटर रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी सोच के साथ हमारी शुरुआत हुई। आप अपनी कहानी भी बताओ थोड़ी सी। तो सर, मैंने अपनी स्कूलिंग DPSRKpuram से करी है, देन आई डिड माय इंजीनियरिंग। योर डॉटर इज माय नीसेस क्लासमेट।
फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम जेबी नॉलेज पार्क फरीदाबाद. देन उसके बाद मेरा एक फैमिली बिजनेस था फॉर नाइकी स्टोर्स, नाइकी रिटेल शोरूम्स का. आई एंटर्ड इनटू दैट एंड पोस्ट दैट व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर जीआरई एट दैट टाइम आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स. सो आई हैड अ सिमिलर थिंग दैट आइदर आई कैन गो एंड स्टडी अब्रॉड फॉर माय मास्टर्स और एटसेट्रा और आई कैन डू समथिंग ऑफ माय ओन व्हिच माय पेरेंट्स हैड गिवन मी अ प्रिविलेज फॉर. So that's why when we met, so I was like, yaar, let's solve a common problem. And I had already suffered a loss. So uske andar maine kaha, yaar, yehi cheez hai jo, matlab, it will touch our lives also. And a feel-good factor bhi aata hai when you're able to help someone, kisi ki jaan bachane mein kahin pe. So it feels good inside also. Aapne ek personal loss ki baat kari, jiski wajah se aapko ye idea hai. Thoda share karna chahenge uske baare mein. So sir, actually it was my grandfather. So unko heart attack aaya tha. So humne ambulance ke liye call kara idhar udhar, to kahin nahi mila. Then my dad went to the nearest hospital. Wahan par ambulance ko saath lekar aaye apni gaadi ke piche. And us pure duration ke andar unki tabiyat itni kharab ho gayi thi ki he was on ventilator for the continue some days of that, then he passed away for that. जान का खोना एक ऐसी चीज होती है सर कि कोई भी बंदा जब तुम्हारा कोई करीबी होता है ना तो तुम सोच हमेशा सोचते हो उसके जाने के बाद कि तुम क्या कर सकते थे जो बच जाते. तो उसी चीज के लिए कि हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, that was the reason we started medicines. अगर हम 1% लोगों की भी जान बचा पाते हैं तो एक जो इंटरनल हैप्पीनेस है, एक फील गुड फैक्टर है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में. मैं आपको अपने एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूं जो मेरे काफी करीब है. मेरे जो पापा थे उनको कैंसर हो गया था. पापा की डेथ हुई कैंसर से. उस टाइम पे मैं उनके साथ था और एम्बुलेंस की जरूरत मेरे को तब पड़ी थी. इट टुक मी एटलीस्ट 45 मिनट्स टू गेट दैट एम्बुलेंस टू टेक हिम. तो मैं इसलिए काफ़ी क्लोजली आपके इस आइडिया को लाइक इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने घर में दादाजी की डेथ, दादी की डेथ, अपने पापा की डेथ तीनों की देखी. वो एक ह्यूमन इमोशन जो टच होता है ना इसमें टाइमली सर्विस पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं. आपने बताया 3 स्ट्रीम्स है, वीआरएस, क्लिनिक एंड मेड्यूलो. मैम, मेड्यू ईआरएस इज अ स्टेशन एम्बुलेंस सर्विस. ओके, मेड्यू ईआरएस. सो व्हाट इज स्टेशन एम्बुलेंस इज बिकॉज़ आप कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल फैसिलिटी, राइट, वी वर्क हियर विद फैसिलिटी मैनेजर्स लाइक जेएलएल, कुशमन वेकफील्ड, वेयर वी पार्क एन एम्बुलेंस फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस ऑलरेडी. इसमें आईडिया होता है दैट an average response time of less than 5 minutes can be given to a captive audience. क्योंकि ambulance वहीं पर होती है, location पर. Yes. Got it. Yes. Clinic क्या है? Second clinic stream. Is ma'am like medical room. जहाँ पे doctors और paramedics basically एक again एक residential society में, एक corporate office में एक medical room setup होता है जिसमें कोई भी employee या कोई भी resident कभी अपना checkup कराने आ सकता है, basically for first aid और basically for basic life support, right? तो doctor और paramedics आप provide करते हैं? Yes ma'am. That is your job. Yes. और ये ERS में जो लोकेशन पे एम्बुलेंस होती है वो यू ओन इट के लीज पे होती है? मैम, लीज पे होती है एम्बुलेंस बिकॉज़ यू नो वी आर मोस्टली एन एसेट लाइट ऑर्गेनाइजेशन. तो एम्बुलेंस वी आर लीजिंग आउट बेसिकली. थर्ड स्ट्रीम क्या है? बेसिकली द आइडिया इज कि हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं देना चाहते, बट वेन दे आर आउट ऑफ देयर ऑफिस उसके बाद भी एम्प्लॉइज हैव अ डेडिकेटेड नंबर टू कॉल टू स्पेसिफिक फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे वो जब वो घर पे हो तभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी और सिटी में हो तभी भी कॉल कर सकते हैं. द सर्विस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर देम बट ऑल्सो फॉर देयर फैमिली मेंबर्स. इस सर्विस के लिए आज हम 60+ पार्टनर्स के साथ काम करते हैं एंड वी हैव अ सब्सक्राइबर बेस अबाउट 80 लाख एम्प्लॉइज. जरा समझाइए कि इंडिया में एटलीस्ट इन बिग सिटीज क्या एम्बुलेंस अनअवेलेबिलिटी से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक नहीं है? सर, एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा यही प्रॉब्लम है. इसलिए एज आई सेड जब हमने शुरुआत भी की सो वी वुड हैव मोर एम्बुलेंसेस पर पिन कोड. जब हमने अपनी सर्विस शुरू करी थी बेसिकली इन 2017, सो एक लेडी का फोन आया मैं फ्रॉम फरीदाबाद, अ प्लेस इन दिल्ली, राइट. शी वॉज अनकॉन्शियस एट हर हाउस, हर डॉटर हैड कॉल्ड अस. बेसिकली दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड दैट हम अगर सर आपकी क्लोजेस्ट लोकेशन से एम्बुलेंस डिस्पैच करते हैं तो हम रिस्पांस टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अनुपम, अगर अगर मेरे को फोर्टिस जाना है गुड़गांव, हाँ जी, और अगर एशियन हॉस्पिटल जो फरीदाबाद में पास में है, अगर ये एशियन के एम्बुलेंस भेज के मुझे फोर्टिस ड्रॉप कर देंगे तो उस टाइम बच सकता. हाँ, समझ गया. करेक्ट, बिल्कुल. वो ये करते हैं आप जैसे टैक्सीज में होता है, आपने हर एरिया में अवेलेबिलिटी क्रिएट कर दी
और यू कैन सेंड टू अनदर नेबरहुड, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि आपके ज्यादा पास है एम्बुलेंस, आपको जल्दी मिल जाती है. करेक्ट, इज दैट राइट? यस. अच्छा जी, एक बार यूजर जर्नी दिखाई हमारे को. बिल्कुल सर, हम आपको इस डैशबोर्ड के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करते हैं. तो जैसे ही हमारे पास कॉल आई तो हम पेशेंट का नाम, नंबर और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी ले सकते हैं. जैसे ही यहाँ पर हम आस्क फॉर थ्री वर्ड्स करते हैं तो हमारे पास एक SMS आता है जिसके अंदर एक लिंक होता है. इस लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक सेकंड, ये SMS आया है कॉल करने के बाद? हाँ जी. कोई मिस्ड कॉल टाइप का नंबर है कि मिस्ड कॉल दीजिए? नहीं, आपने हमें कॉल करा, हम बात कर रहे हैं आपसे. हाँ जी. हम उसी दौरान आपको एक SMS भेज देंगे ताकि हम बिना ऐप के या आपको किसी भी तरीके से हम आपकी लोकेशन एग्जैक्ट अप टू 5 meters ले पाए. हमारे को ये था कि अगर हम ऐप भी आपको दे दे, आपको अगर यूज नहीं आती 1 महीने 2 महीने 3 महीने, इट्स अ टेंडेंसी कि आप डिलीट कर दोगे. बिल्कुल. तो हम ये कहते हैं कि जब भी आप कॉल करो, हमें जो ऐप से आपकी लोकेशन ही चाहिए. Correct. बेसिकली तो हम वो सारी चीजें हम बिना ऐप के भी करते. फ्रिक्शन हटा दिया आपने कि ऐप इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है. हाँ जी, बहुत बढ़िया. इसको एज अ सोर्स सिलेक्ट कर देंगे कि ये हमारी, हमने पिकअप एड्रेस हमारा आ गया, और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास सारी अवेलेबल एम्बुलेंसेज आ जाएंगी. क्लोजेस्ट 5 एम्बुलेंसेज आ जाएंगी. हम आपको ETA भी बताते हैं हमारे एजेंट को कि ETA के अंदर की कितने टाइम में ये एम्बुलेंस उधर तक पहुंच जाएगी, कितना डिस्टेंस है और क्या टाइप ऑफ एम्बुलेंसेज है. गॉट इट. तो बेसिकली आपने Uber ऑफ एम्बुलेंस बनाया है. अब उसमें कंज्यूमर जर्नी फोन पे कर दी है, ड्राइवर जर्नी ऐप पे ही है. यस सर. एक नया शहर खोलने के लिए कितना एफर्ट लगता है? सर वहाँ पे पहले चेक करना पड़ता है कि कितनी एम्बुलेंसेज हैं, फिर हम ग्रेड करते हैं कि एडवांस लाइफ सपोर्ट कितनी है, बेसिक लाइफ सपोर्ट कितनी है, पेशेंट ट्रांसपोर्ट कितनी है. टाई अप विद हॉस्पिटल्स? यस हॉस्पिटल्स. देखो आपका बिजनेस तो समझ आ गया, सॉलिड अच्छे से समझ आ गया. अब मेरे को ना थोड़ा सा रेवेन्यू मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी तरफ चले. तीनों में नंबर बताइए आप. बिल्कुल सर. सर हमने लास्ट ईयर 24 करोड़ का रेवेन्यू किया है. वेरी गुड. वेल डन. और हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 24%. वेरी गुड. वी बीन प्रॉफिटेबल फॉर द लास्ट 3 years. लास्ट ईयर मतलब 21-22? यस सर. ओके. एंड उससे पहले हमने 15.7 CR किया था एंड हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थी 18%. अनुपम की तरफ से क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट मंथ कितना किया? सर लास्ट मंथ है 2.7 CR. ओह वाओ, बहुत शानदार कर रहे हो आप. तो आपका रन रेट मतलब 30 करोड़ के आसपास हो गया पर ईयर. सर बाय द एंड ऑफ 20 दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर टारगेटिंग अराउंड 45 CR एंड दैट इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन. 45 CR रन रेट की 45 CR ARR बाय द एंड ऑफ द ईयर. पूरे साल का रेवेन्यू कितना होगा? अराउंड 40 तक हम टच कर लेंगे सर. कितना प्रॉफिट होगा? सर अबाउट 24%. प्रायर राउंड जरूर होगा, नहीं तो आप 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे नहीं आते. नहीं मैम, हमारी कंपनी कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, हमने आज तक कोई भी फंड्स रेज नहीं करे. कमाल, मानना पड़ेगा बहुत रेयर स्टार्टअप. ऐसे स्टार्टअप्स देख के मजा आ गया. तो आपका इक्विटी शेयर स्प्लिट कितना है? 50-50. तो यहाँ क्यों आए हो यार आप? सर बिल्कुल बहुत सही सवाल है ये. आप प्रॉफिटेबल हो, सब कुछ बढ़िया है, रेयर स्टार्टअप हो आप. और आप तो मुझे पहले से जानते थे, आपने वहाँ क्यों नहीं मिले, यहाँ पे अब लड़ना पड़ेगा सबसे. तो मैंने आपको मैसेज करा, आपने रिप्लाई नहीं करा कभी. अमन ये नहीं पूछना चाहिए था. मैंने अपनी बहन से बोल के आपकी वाइफ से आपका नंबर भी निकलवाया, आपको मैसेज भी करा, बट यू नेवर रिप्लाइड. तो मैं आपको ऑफर दूं? ए, नहीं नहीं, वन मिनट. अरे यार बिजनेस समझने दो यार, ऑफर पे आया थे आप लोग. अरे इतना इजी बिजनेस है, आपको इतना टाइम लग गया समझने में. आई हैव अ गुड आईडिया. आपने कहा 40 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, 24% प्रॉफिट निकलेगा, राइट? तो 40 करोड़ का 24% कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10. ठीक है, मतलब दोनों में स्प्लिट होकर 5-5 crore रुपया बचता है. आपको क्यों इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, मुझे समझ ही नहीं आई बात. और आपको 2 crore चाहिए सर? हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में टिल डेट थोड़े से इश्यूज हैं जिसके लिए हमें आपकी स्किल्स एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है. एक्सपर्टीज समझ नहीं रहे हो आप. अच्छा आपको हमारी जरूरत है, हम ऑफर देते हैं आपको. इनके ऑफर से पहले मुझे सवाल है. यस ऑफर तो दे देते हैं भाई. उनको एक सेकंड यार, 1 second, उनको जवाब तो देने दीजिए. मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं. ऑफर देना है तो कूद मत जाओ.
बात तो करना, जवाब दो। I completely agree with Anupam. कूदो मत यार, कूदो मत। ठीक है चलो, बात कीजिए। तो सर, इट इज नॉट ओनली कि हमें अभी क्यों रेज करना है, ऐसा नहीं है कि हमें ऑफर्स पहले भी आए हैं, बट वी हैव नॉट टेकन दैट। नाउ वी फील आवर कंपटीशन हैज आल्सो रेज्ड अ $20 million राउंड। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है कंपटीशन? स्टैंड प्लस इन हैदराबाद। $20 million एंड विद द सेम रेवेन्यू व्हाट वी आर डूइंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ $100 million। वाओ, दिस इज वेरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, थैंक यू। नाउ वी वांट टू एक्सप्लोर मोर इनटू दिस सेगमेंट इन एंटायर इंडिया टू मैनेज इमरजेंसी रिस्पांस इन स्मॉल और bigger cities, tier 2, tier 3 or tier 1 cities also. वो सब ठीक हो गया, expansion plans. बात सिर्फ ये है कि एक कंपनी का generally एक industry में इतना बड़ा round होता है at 100 million valuation और आपका revenue बराबर का है और आप team भी अच्छी है, तो you should not have had problem to raise from another VC आसपास के valuation. वो किया क्यों नहीं आप? अरे बस उन्हें हम चाहिए ना, लेकिन यार आपको समझना नहीं है। problem क्या है? आदमी को समझो यार, क्या कर रहे हैं? Sir, we've gone through the angel rounds, they were valuing out something or the other, but हमें वो SHA agreement भी नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही बात है, मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी यही होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम SHA agreement हम दोनों के सामने, मैंने कहा छोड़ यार इसे, यार नहीं चाहिए। बहुत बारी हर चीज नहीं आती। देखो हम आप entrepreneurs होते हैं ना, कभी कभी entrepreneur होते हैं, investor नहीं होते, तो हमें नहीं समझ आता कि funding कैसे करनी है, क्या करना है। मैं भी जब पहली बार गया था ना, ऐसे ही मैंने लिंक्डइन पे लिख दिया था अपने इन्वेस्टर को कि मुझे फंडिंग चाहिए। फिर उसने पूरा डिटेल समझाया, मैंने उसी को बोला आप ही समझाओ सारे टर्म्स, ये लिखा क्या है। तो नहीं समझ आते बहुत बार यार, मतलब आज वो इन्वेस्टर और मैं दोनों खुश हैं। आप ऑफर दे दो यार फटाफट। अच्छा, हम ऑफर दे दो यार, सबको कहानियां सुनानी है सबको, यहाँ पर किसको समझना। चलिए आप बात कीजिए, ऑफर लीजिए। अच्छा एक मिनट, रवजोत एंड प्रणव, हमने कहानी भी सुन ली, हमने बिजनेस भी अंडरस्टैंड कर लिया और हमने ये भी समझ लिया कि आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, और मैं और अमन साथ में आपको ऑफर देना चाहेंगे, इसलिए कि हम बहुत सारे नेटवर्क्स आपके लिए ला सकते हैं। वही बात, कोई नहीं, उनको ऑफर देने दो फिर बात करते हैं। हम आपको ऑफर करना चाहेंगे 1 crore इन इक्विटी फॉर 1%, तो आपका 100 crore का वैल्यूएशन हो गया, and 1 crore in debt, 100 crore valuation Shark Tank पे ज़्यादातर आते हैं लोग मांगते, लेकिन किसी को मिलता नहीं है। बढ़िया मैम, देख बिजनेस समझना ना हम लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है। अब थोड़ी मैच्योर बातें करें। कांग्रेचुलेशन, आप कर लेना मैच्योर बातें, मैं थोड़ी इमैच्योर बात कर देता हूँ। आपके कंपेटिटर ने 20 million उठा लिया एट 100 million, तो अभी 1-2 crore से आपका कुछ नहीं होगा, और क्योंकि 1% में यार मेरा कुछ नहीं होने वाला ये बिजनेस में, द रिस्क आर टू हाई टू टेक जस्ट 1%, 5% में आप मानोगे नहीं, और इसके बीच में कहीं मुझे लग रहा नहीं है डील होगी। बट आई विश यू द बेस्ट, और ये काम करते रहिए, बड़ा अच्छा काम है। आई होप यू डू अ मैसिव राउंड एंड किल द कॉम्पिटिशन, गुड लक। थैंक यू सो मच। अब मैं पूछ सकता हूँ अपने सवाल? हाँ पूछ सकते हो। हे भगवान, और कितने? नहीं अब मैं तो अभी चालू करूंगा ना, मैंने तो पूछा ही नहीं यार। आपने ऑफर दे दिया, अगर उनको लेना है वो ले लेंगे, नहीं तो उनके पास हक है पूरा पूछने का। हाँ ठीक है, मैं पहले आपको समझाता हूँ। कितनी देर उनको टाइम पूछ ले, कितनी देर, उन्हें समझ ही नहीं आया बिजनेस अभी तक। अभी तक बिजनेस समझ रहे हम लोग, कब समझ गए थे? हे भगवान, अभी लोग चुप हो तो आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो ये बताओ। सर एज आई सेड कि हम ऑलरेडी 100 crore का रेवेन्यू तो टारगेट कर ही रहे थे। नाउ द आइडिया इज वी वांट टू रीच अबाउट 250-200 crore इन से द नेक्स्ट 3 years, राइट, सो दैट वी कैन कमांड से $1 billion वैल्यूएशन इन द नेक्स्ट 5 years, और वही आइडिया। और अगर हमने ये कर लिया तो हम आज 8 lakh जाने बचा रहे हैं, हम कल को 80 crore जाने भी बचा सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, आई वुड से मे बी इन सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो फॉर दैट मैटर। 250 crore पे $1 billion नहीं बनेंगे, उससे ज्यादा करना पड़ेगा, पर आपके एम्बिशन $1 billion कंपनी बनाने के हैं। हो गया, टाइम हो गया, बस अभी चलो। रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, तो हमारा चला जाएगा। मेरे को पार्टनर की इक्विटी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, पूरा इकोसिस्टम आपके पीछे लगा देंगे, और नेक्स्ट राउंड रेज वेज करवाना ये सब भी अपने हाथ में रहेगा। मुझे चाहिए 10%, 5 crore rupees डालूंगा, आपने 2 मांगे मैं 5 डालूंगा। भाई crore, 50 crore, 50 crore वैल्यू, अरे आधा वैल्यूएशन, और बॉस
फंड रेज तो हम भी करा सकते हैं। चलिए एक और ऑफर चेंज करता हूँ मैं आपके लिए, 5 crore 5%। Big, huge, biggest offer on Shark Tank ever. मैं नमिता और अमन के साथ जुड़ना चाहूंगा अगर दे आर ओके इन देयर ऑफर। ये जब हमारे साथ जुड़ेंगे आपको मैं नेटवर्क समझाती हूँ। मेरे पास हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स, नर्सेस है, yes. इनके पास हम तीनों के पास इन्वेस्टर्स है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, और हम टाइम भी देंगे। ऐसा नहीं है कि 5 crore में टाइम देंगे, 1 crore में नहीं देंगे, हम आपको 1 crore में भी टाइम देंगे। मैं आपको समझाना चाहूंगा, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने कार देखो, इंश्योरेंस देखो मैं बनाया, उससे काफी कोरिलेटेड आप काम कर रहे हो। मेरे को लगता है काफी बड़ा हमारा एक सिनर्जी इफेक्ट भी आएगा। अगर मैं 5 crore रुपए डालूंगा अपने, तो यहाँ पर सब लोग कुछ कुछ लाख डाल के क्या कर लेंगे। बिल्कुल, रिस्क मेरा सबसे ज्यादा है, आप पे भरोसा मैं कर रहा हूँ सबसे ज्यादा, तो भरोसा करके देखो आप भी मेरे पे। चलिए, 2 offer है आपके पास, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपको बोलता हूँ बाहर जाके सोच के आइए आराम से। 5 ठीक है। Oh, he's offering a good deal. This will be the biggest deal on Shark Tank. 5 crore one. Valuation is the same. Aman, that Ravjot wants you, yeah. He doesn't like me because I didn't pick up his call. इसे sorry बोल दे यार। अभी प्यार से बात कर ले, पिघल जाएगा। Welcome back. Check ready है। घमासान परिस्थिति आपने create कर दी। घमासान। हमारे अंदर भी sir. सर एक बेसिक मतलब काउंटर ऑफर था। हाँ जी, जस्ट टू क्लियर होने के लिए, अमन, नमिता एंड पीयूष आर कमिंग टुगेदर। यस, हाँ जी, हाँ जी, यस, थ्री ऑफ यू आर कमिंग, देन कैन वी रिमूव द डेट कंपोनेंट। हाँ जी, हाँ जी, एंड हम 2 crore ही जो हमारी बेस पहले की आज थी वो कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड बेसिकली हम पहले 1% कह रहे थे, अब हम कह रहे हैं हम उसको 1.5% कर लेते हैं इक्विटी। नहीं यार, 2% पे कर लेते हैं, आई एम ओके, क्योंकि 100 करोड़ इज अ गुड वैल्यूएशन, यू नो दैट, नो डेट। हाँ, 2 offer हैं, एक है अमित का 5 crore for 5% ऑफ योर कंपनी, मतलब 100 crore का वैल्यूएशन हो गया, और दूसरा ऑफर है पीयूष, नमिता और अमन का 2 crore for 2% ऑफ योर कंपनी, वो भी 100 crore का वैल्यूएशन हो गया। आप कौन सा ऑफर लेना चाहेंगे, डिसाइड कीजिए, बताइए क्या करना है। और 3 sharks नॉन-नेगोशिएबल लग रहा है मेरे को। सिर्फ रूम नमिता नाम है। हाँ यार सर, वील गो विद पीयूष, नमिता एंड अमन। और सुन, मैं एक डायलॉग मारना चाहता हूँ। जब तुम किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात को उससे मिलाने की कोशिश करो। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर, कांग्रेचुलेशंस गाइस, गुड लक, थैंक यू सर। 5 crore का ऑफर हो गया शार्क टैंक पे, सबसे बड़ा, देने भी नहीं पड़े। अरे इंटेंट तो देने का ही था भाई, कैसी बातें कर रहे हो। नहीं लेकिन, अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ इंटेंट नहीं था। इस डील से एक चीज तो समझ में आ गई कि जो फाउंडर्स यहाँ आते हैं वो सिर्फ टोटल चेक साइज के लिए नहीं आते हैं, बट रादर एक्सपर्टीज के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आपको कितना स्ट्रॉन्गली लगता है कि मेडलिंस जिंदगी बचाने के तरीके में चेंज ला सकता है? मेडलिंस ऑलरेडी वो जिंदगी बचाने के लिए काफी तरीके में चेंज ला चुका है और ला रहा है रोज पर रोज। हम रोज 300 से 400 जानों के लिए हम एम्बुलेंस भेजते हैं और उनको असिस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया विजन है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, और मैं चाहता हूँ कि आपके विजन और आपके इन ख्यालातों के साथ साथ एक छोटा सा साइन, एक ऑटोग्राफ भी हमारे साथ रह जाए। जैसे जीरो पे वर्क के साथ एको ने इंश्योरेंस खरीदने का तरीका बदला है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही लोगों की जिंदगियां ऑन अ डेली बेसिस बदलते रहें। थैंक यू सो मच, saving lives always, really really a pleasure to have you here guys. Appreciate it, all the very best, and congratulations. Thank you.
हेलो शार्क्स, मेरा नाम है फातिमा और मैं हूँ नुरिया बरोड़ा वाला और हम कोलकाता से है। हर किसी की एक एंटरप्रेन्योर जर्नी होती है। कोई मार्केट गैप देखता है, किसी को वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं और कईयों को तो सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। इसी तरह मेरी भी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी है। मैं हमेशा से एक होम बेकर थी, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए केक्स बनाकर खुश थी, लेकिन कोविड के दौरान एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया और इसी के साथ शुरू किया केकलिशेस अपनी मम्मी के साथ। जब हमने केक्स बनाना शुरू किया तब हमने रियलाइज किया कि केक्स जितने भी डेलिशियस क्यों ना हो वो डेलिकेट होते हैं और डिलीवरी के टाइम पर अगर वो स्मज हो जाए तो खाने वाले का मूड खराब हो जाता है। इसीलिए हमने बनाए केक टब्स, जो है केक्स इनसाइड अ बॉक्स। हमारे केक 3 डिफरेंट साइजेस और 30 डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसे कि मैंगो मंडेज, तिरामिसु ट्यूसडेज, वॉलनट वेडनेसडे। शख्स, हमने शुरुआत की थी हमारे घर के किचन से और आज हमारे पास 2 क्लाउड किचन और 1 रिटेल स्टोर है। हम अपने केक टब्स जोमैटो और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑन एन एवरेज हम 500 केक टब्स महीने में बेचते हैं और आज तक हमने 2,00,000 कस्टमर से भी ज्यादा को सर्व किया हुआ है। हमारा विजन ये है कि केक सिर्फ सेलिब्रेशंस के लिए नहीं, केक टब्स के जरिए से आपके एवरीडे क्रेविंग्स का हिस्सा बन जाए। हमारी आस्क है 25 lakhs फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स, जुड़िए हमारे साथ, बिकॉज वी आर करेजियस, आवर केक्स आर डिलीशियस एंड वी आर केकलिशियस। फातिमा जी और दुरिया, शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है। आपने शुरुआत की थी कुछ कहते हुए कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को छोड़ के आपने ये शुरू किया, तो उसकी कहानी अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। यस शख्स, मैं एक्चुअली बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ग्रेजुएट हूँ। वाओ। और मैंने विप्रो में काम किया हुआ है फॉर 6 months। उसके बाद मेरी एंगेजमेंट पक्की हो गई थी एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड आई गॉट मैरिड। सो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी वेरी फिजिकली अब्यूसिव द रिलेशनशिप। तो कोविड के दरमियान वहाँ रेड जोन था जहाँ पे मैं रहती थी, हुबली में। मैंने अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके और पुलिस अथॉरिटीज का हेल्प लेके, रेस्क्यू फ्लाइट्स थी उस समय, तो मैंने रेस्क्यू फ्लाइट लेके कैलकटा पहुँची थी और उस समय मैं 4 months प्रेगनेंट थी। तो मैं फिजिकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। तो मेरे को केक्स बनाने में से हमेशा खुशी मिलती थी, बेकिंग वाज लाइक अ थेरेपी फॉर मी। मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 पोस्ट डाले अपने काम के एंड इट्स गेव अ गुड रिस्पांस। तो उसी से फिर हमने अहेड सोचा कि मुझे कुछ करना है अपनी डॉटर को प्राउड फील कराने के लिए, तो मैंने केकलिशियस की शुरुआत की। आप पॉजिटिविटी कैसे लाए इस पूरे एपिसोड में? Because usually लोग पास से उभरते नहीं हैं ऐसे में। ये पॉजिटिविटी तो पूरी क्रेडिट्स मेरी मॉम की है और मेरे पापा की। यूजुअली क्या होता है कि फैमिली लोग दे गेट रियली अशेम्ड, पर मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी फॉर व्हाटएवर आई डिड। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज केकलिशियस जो है वो है। तो स्मार्ट मदर की स्मार्ट डॉटर, आपने भी तो ये उम्र में बिजनेस में वेंचर आउट किया है, सो बिग क्रेडिट टू यू। मम्मी डे टू डे क्या रोल प्ले करती है? मम्मी हेड शेफ है वहाँ की, बेकिंग पार्ट है वो ध्यान रखती है 2 क्लाउड किचन्स में। बहुत ही स्वीट जोड़ी है आप लोगों की। फातिमा दुरिया जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो केक है ये असली है नकली है? सब असली है। तो ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। व्हाट इज दिस? शख्स, ये हमारी पैकेजिंग है। अच्छा, इसके अंदर है तो नहीं ना कुछ? नहीं, ठीक है। बुकर्ड। इसमें दूध होगा ना? नो शख्स, ये तिरामिसु ग्लूटेन फ्री है। ओह माय लॉर्ड, वाह, थैंक यू। जनरली यहाँ पे डिजर्ट्स आता नहीं है दूध के बिना। बहुत ही अट्रैक्टिव है आपका। अनरियल। एक ही आप लाए हो टेस्ट करने के लिए? ये रेसिपीज कौन डिजाइन करता है, आप या दुरिया जी? वो जो बेस है वो एक 90-year-old रेसिपी है, मेरी मॉम ने उनकी मॉम से सीखा था और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स और प्रीमिक्सेस बिल्कुल भी नहीं है और उसके बावजूद ये फ्रेश रहते हैं फॉर 2 weeks।
अंडर -15°C. खत्म हो गया मेरा तो डिजर्ट. मेरा भी हो गया. पीयूष तुम डाइट पे थे. छोटी केक को वैसे पेस्ट्री कहते हैं, तो क्या आप इसको पेस्ट्री का रिप्लेसमेंट की तरह आप देख रहे हैं कि क्योंकि बात नहीं बैठ रही है पूरी तरह दिमाग में. जो पेस्ट्रीज होती है शख्स, उसे में भी यही प्रॉब्लम होता है कि डिलीवरी के टाइम पे वो पूरी डिब्बे के ऊपर चिपक जाती है, तो वो फिर खाने के लायक नहीं रहती है. और ऊपर से केक टब्स बिकॉज ये इतने स्टर्डी रहते हैं, इसमें कोई फिनिशिंग की जरूरत नहीं है. जैसे केक को प्रॉपरली अगर आप बनाते हैं, पूरा डिजाइन करते हैं, तो 1 घंटे का टाइम लगता है. और जो केक टब्स बनाते हैं वो रिड्यूस हो जाता है उसका टाइम 5 मिनट्स में. बट ये वाले टब मैंने देखे हुए हैं बहुत बार, मतलब आते हैं मार्केट वगैरह में, राइट? जी शख्स, हमने ये 2020 में इंट्रोड्यूस किए थे. बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पे हमने डाले थे, तो ये रेप्लिकेशन तो इज वेरी नेचुरल बिकॉज ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए. अच्छा, समझ गया. तो आप यहाँ शार्क से क्या चाहते हैं? शख्स, जब भी हम डिनर के बाद किसी डिजर्ट का देखते हैं तो आइसक्रीम देखते हैं, वॉफल्स देखते हैं, लेकिन केक्स इतने डिलीशियस होने के बावजूद एक सेलिब्रेशन के लिए फिक्स हो गए. ग्रेट पॉइंट. शख्स, मोंजिनीज जैसे हर गली नुक्कड़ में है ना, ऐसे ही केकलिशियस को हर गली नुक्कड़ पे रखना है. बहुत बढ़िया. तो अभी सेल कितनी है आपकी? लास्ट 3 मंथ से सेल हो रही है 2 लाख 2.5 लाख, और इस मंथ के 2.5 लाख की ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 3 लाख. और अभी आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? 2.5 लाख में कितना आपका प्रॉफिट है, क्या खर्चे हैं, वो थोड़ा समझाएंगे? शख्स, हमारी जो बेस्ट सेलिंग अभी ये 2 महीने से है वो लोटस बिस्कॉफ और टीरामिसु जो मैं आपने टेस्ट किए, उसका प्राइस है 350 रुपीज़. इसको बनाने में लगते हैं 140 रुपीज़, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 60% हो जाता है, एंड नेट प्रॉफिट 40. मेरी ताई जी केक बनाती है, मुझे उनके केक बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे ही मुझे आज आपका केक भी बहुत अच्छा लगा. रैट रेस में मत जाइए कि सब इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो मैं भी लूँगा. मेरे को लगता है कि आप अपना अच्छा मस्त बिजनेस चला रहे हैं, उसको चलाइए. इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए तरफ मत जाइए, अगर कोई देगा भी ना मना कर दो, ठीक है? चलो, थैंक यू, आई एम आउट. थैंक यू शख्स. और अभी 2.5 लाख में आपने कुछ कमाया पिछले महीने? जी शख्स, हमने 80,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया है. तो मुझे क्या लगता है ना, जैसे अमन ने कहा 2.5 लाख में आप 80,000 कमा रहे हैं, धीरे धीरे करके 4, 5, 10 लाख की सेल हो जाएगी, तो आप 4 लाख रुपए महीना कमाएंगे, विच इज सिग्निफिकेंट अर्निंग. और उसके बाद ही आपको किसी को कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए. अभी आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट मुझे भी डांट पड़ने वाली है नमिता से कि मैंने पूरा खा लिया है बिकॉज मैं डाइट प्लान पे था. Yes. पर आपका जो प्रोडक्ट है केक, इसमें आप अपना नाम बना सकते हैं बिकॉज इससे वर्ड ऑफ माउथ होगा, और आपका रेस्टोरेंट भी चल रहा है उसी से. एक रेस्टोरेंट जब चलने लग जाए दूसरा खोलिए, पर इसमें भी मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ. थैंक यू. मेरे कुछ सवाल, जैसे आपने बताया 2.5 लाख का रेवेन्यू, इनको थोड़ा डिटेल में बताएंगे कितना दुकान से आ रहा है, कितना ऑनलाइन डिलीवरी से आ रहा है? शख्स, हमारा इंस्टाग्राम जो है बिजनेस वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो 40% रेवेन्यू हमारे इंस्टाग्राम एड्स और डीएम से आता है, बाकी 30% हमारा जोमेटो से आता है, 20% शॉप से आता है, एंड 10% हमारा वेबसाइट से आता है. आपके रिपीट ऑर्डर आते होंगे, आपके बहुत सारे कस्टमर आपसे लेके जाते हैं दोबारा? हाँ, करते हैं. शख्स, हमारे 80% कस्टमर्स वापस हमें ऑर्डर्स देते हैं. वाओ वाओ. और शख्स, हमारे शॉप में तो कई बार ऐसे लोग आते हैं जो 30 फ्लेवर्स 30 डेज के लिए ट्राई करते हैं. मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ आपकी जर्नी से, जिस तरह से आपने चालू किया. मैं ऑफर देना चाहूँगा. वाओ, ऑफर. बहुत ही अच्छा लगा मेरे को. एक तो आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है जो अपन बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज है, उसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी हमारे को. मेरा ऑफर है 15 लाख इक्विटी के लिए 15%, यानी कि 1 करोड़ रुपये की कंपनी की वैल्यू लगे, और बाकी 10 लाख मैं देना चाहूँगा डेट के अंदर, इंटरेस्ट फ्री. ओके. वाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ऑफर है. मुझे ये लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का आविष्कार किया आपने, जो केक इन अ टब है, और नए नए आविष्कार करने चाहिए टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन. तो आई थिंक यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओवर टाइम. तो ये एडवाइस मैं दूंगा, बाकी मुझे नहीं लगता है मैं आपको इसमें कोई हेल्प कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं आज आउट हूं, लेकिन आपको एक अच्छा ऑफर मिला है. फर्स्टली फातिमा जी, यू आर अ रोल मॉडल एंड आई एम आल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, बट मुझे नहीं लगता है कि इतने क्लटर्ड मार्केट में
मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी टू मेक इट अ पैन इंडिया ब्रांड. जो कॉन्फिडेंस अमित में है, आई मीन आई विल नॉट बी एबल टू एड दैट वैल्यू टू यू. बट थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी टूडे. आई विश यू द बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बी आउट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए, तो आपके पास एक ऑफर है, इससे बेटर ऑफर मुझे नहीं लगता आपको मिल सकता है. शख्स, क्या मैं अपने फादर जो मुझे बिजनेस में हेल्प करते हैं फाइनेंस रिलेटेड, मैं उनसे एक बार पूछना चाहूंगी इफ दे आर ओके. बिल्कुल. नो, आई एम हैप्पी यू आर हेल्पिंग. बड़ी ब्रांड है, इट्स रियली गुड. देख, फाइनली है ना, अपने को डी टू सी में स्पेस ढूंढनी होती है. ये केक्स कितने के मिलते, क्लटर कहाँ पर है, उसको ब्रेक कैसे करना है वो देखना. My thought was like, if we can just counter, but let's see, whatever it is. Sharks, aapki ijazat ho to ek counter hai. Oh, wow. Maza aaya sun ke. Kariye, kariye. Sharks, can we do 25 lakhs for 15%? Just do away with the debt. Main aapko ek aur counter deta hu. 25 lakh pe 20% ticket. 5% kal. 5% ki baat hai. मैं आपको दिल से मदद करना चाह रहा हूँ आपकी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे को ये समझ में आ चुका है. बड़ी कंपनी बनानी चाहिए अपने को इस स्किल पे, तो आप इतना मत सोचिए. आप डेट ले लीजिए, आप इनकी मत सुनिए. बोलिए. डील सर, डन डील. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. Goodbye. ए बेशरम, और केक मत खा. मेरा कर्तव्य है तुझे यहाँ से लेके जा. क्या एजुकेशन, ये क्या है? उफ, उमें हूँ क्या? सेंटर में? वाह! फ्रिंज करेक्ट किया उन्होंने. ये अनुपम है, ये उत्सुक है, वो है अमन, वो तू है क्या? मैं समझ ही नहीं पा रहा. वाह, क्या बात है, क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग. बोल्ड. अक्षय, तुझे पता है क्या, वसीम अकरम का टेस्ट हाई स्कोर सचिन से भी ज्यादा है, और सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉन से भी ज्यादा 5 विकेट हॉल लिए ओडीआईज में. नो वे. अरे भाई, मान लिया तू क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, पर तू अपने इस नॉलेज और पैशन का कुछ करता क्यों नहीं है? मुझे क्यों पका रहा है? क्या करूं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां मैं अपने पैशन के बलबूते पर कुछ कर सकूं. लेकिन अब वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं bold.io. शख्स, मेरा नाम है अक्षय खंडेलवाल, मैं सिंगापुर से आया हूँ. और मेरा नाम है राहुल सिंह, मैं आया हूँ उन्नाव उत्तर प्रदेश से. और हम हैं bold.io के co-founders. We'll just take the gear off. Okay. तो शख्स, bold.io दुनिया का ऐसा पहला स्पोर्ट्स बेस्ड सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्रिकेट के फैंस दुनिया भर में अपने पैशन और अपने नॉलेज के बल पे कुछ रियल मनी रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, और कमा सकते हैं एक रिकॉग्निशन कमाने का मौका. रियल मनी. वहीं दूसरी ओर bold.io प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म टीम्स और क्लब्स को अपने फैंस के साथ ईयर लॉन्ग एंगेज करने के लिए. शख्स, हर इंसान क्रिकेटर तो नहीं बन सकता, लेकिन हर एक फैन के अंदर एक क्रिकेटर जरूर जिंदा है, और वो हमारे ऐप पर एक डिजिटल दुनिया में अपने इस सपने को जी सकता है. bold.io के ऐप को हमने 3 हफ्ते पहले लाइव किया था. आज हमारा यूजर बेस 125 कंट्रीज में है, और 3 लाख से भी ज्यादा गेम्स खेले जा चुके हैं. शख्स, bold.io में हमारा विजन है स्पोर्ट्स फैंस के लिए एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस डिलीवर करना जो उन्हें एंगेज कर सके, जो उन्हें इंस्पायर कर सके, और दे सके उन्हें उनकी फैंडम को सेलिब्रेट करने का एक मौका. शख्स, आज हमारी आपसे आस्क है 80 लाख फॉर 1% ऑफ द इक्विटी इन आवर कंपनी. 80 करोड़ की वैल्यूएशन है. सो हु'ज रेडी टू गेट बोल्ड ओवर? अक्षय, राहुल, वेलकम टू शार्क टैंक. पहले तो ये बताओ, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम लोग एक दूसरे को लगभग 20 साल से जानते हैं.
हमारी जर्नी जो है अंडरग्रेड में आईटी मद्रास से शुरू हुई थी और वहाँ हम दोनों विंगमेट्स थे। आपने फिर क्या किया? तो मैंने हैलिबर्टन में शुरू के 5 साल में एक फील्ड इंजीनियर था और मैंने अफ्रीका और यूरोप रीजन में ऑयल फील्ड सर्विसेज का काम किया और उसके बाद मैंने वन चैंपियनशिप वन ईस्पोर्ट्स ज्वाइन किया 2019 में जहाँ पे मैं D2C रेवेन्यू मोनेटाइजेशन देख रहा था और ब्लॉकचेन को मैंने बहुत नजदीक से देखा भी और समझा भी। गुड। उसके बाद फिर हमने नवंबर में बोल्ड की जर्नी शुरू की। मैंने एज अ प्रोडक्ट इन टेक्नोलॉजी 5 साल काम किया इंक्लूडिंग इन सैमसंग रिसर्च। उसके बाद मैंने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स को ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग मैनेजर स्टार स्पोर्ट्स। वहां पे फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला प्रो कबड्डी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में काम करने का, तो बहुत क्लोजली मैंने सीखा वहां से। चलो थोड़ा अक्षय राहुल ये बता दो ये एग्जैक्टली करता क्या? तो bold.io ऐप में 3 पार्ट्स है, एक अरीना, एक है लाइव क्रिकेट लाउंज और तीसरा है मार्केट प्लेस। तो आप जब शुरू करते हो अपना सफर यहाँ पे तो आपको एक अवतार मिल जाता है, ये एक क्रिकेट प्लेयर है। मिनी गेम्स यहाँ पे हमने दिए हुए, क्रिकेट को ब्रेक डाउन किया है अलग अलग स्किल्स में। Nice. तो आप वो स्किल्स में आप ट्राई करते हो तो आपकी वो स्किल बढ़ती है और उससे कुछ आप इन गेम करेंसी कमा सकते हैं और उससे अपने प्लेयर को स्किल अप कर सकते हैं, फिर वो बन जाता है सेमी प्रो प्लेयर और यहाँ पे उसके पास काफी ऑप्शंस खुल जाते हैं और भी गेम खेलने के, जैसे प्लेयर वर्सेस प्लेयर। ये क्या बन गया? ये हमारा हाईएस्ट लेवल का प्लेयर है, लेजेंडरी प्लेयर। ओह लेजेंडरी। ये स्टेडियम हमारे सबसे हाई प्राइस और सबसे रेयर एसेट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक NFT है तो उसको और कोई ओन नहीं कर सकता एज एन एसेट। तो आप टूर्नामेंट्स होस्ट करते हो तो टूर्नामेंट फी ले सकते हो बाकी टीम्स जो खेल रही हैं, या अगर आप उसमें स्पॉन्सर्स लेके आते हो, मान लो आप चाहते हैं कि मैं पैसिव इनकम कमाऊं, तो आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। Got it. ये मार्केट प्लेस क्या है? बोल्ड के ऐप पे ये मार्केट प्लेस है जहाँ पे ये जो अलग अलग इन गेम एसेट्स थे NFTs, उन्हें बाय सेल और ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि स्टेडियम, प्लेयर्स, हेलमेट, ग्लव्स एक्सेट्रा। काफी थॉटफुल तरीके से बनाया। अभी गेम खेल लेते हैं। और यार मेरे को खेलनी है गेम। चलिए आओ ट्राई दिस आउट। लेट्स डू 2-2। इनवाइट कर, लेट्स गो। चलो जाओ। उत्सुक 1 उत्सुक 2। यार ये कोई ये आप अपना कैरेक्टर भी चूज कर सकते हैं। यार मैं NFT खरीदूंगा चश्मे का। तो यार पहले ये समझते हैं आपके गेम प्ले में क्या डिफरेंट है। ग्राफिकली वाज वेरी इंप्रेसिव और conceptually was very impressive. ये NFT की जो बात की आपने, gaming, blockchain, marketplace, सारे ही buzzwords आ गए, लेकिन जब gameplay किया हमने, मजा नहीं आया। मुझे वही बात लगी। बिल्कुल नहीं अच्छा। मजा नहीं आया, it was normal. मतलब ऐसा कोई extraordinary नहीं लगा जो पहले नहीं खेला। नहीं, and I disagree with you, अनुपम, वो graphically was very poor. हमने जो games देखे बच्चों को खेलते हुए आज, हाँ। अलग ही level पे जा चुके हैं। उसके सामने कहीं लग नहीं रहा, तो आपका ये मेन फोकस है कि क्या है इसके पीछे रीजन? ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। Okay. ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही है एक तरह से। हम चाहते थे कि एक गेम बना के एक बार हम रिलीज कर दें ताकि यूजर फीडबैक लूप हमारे लिए शुरू हो जाए। Got it. हम हैं बेसिकली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म। हमारा जो USP है, जो हम एक्चुअली यूजर को जो अपील करता है, वो है इकोनॉमी दैट वी हैव बिल्ट अराउंड इट। यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अराउंड। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अराउंड। यस। अच्छा, आप ये मोनेटाइज कैसे करते हैं? आई एम असूमिंग आप प्री रेवेन्यू है। आई एम एक्चुअली पोस्ट रेवेन्यू। पोस्ट रेवेन्यू। तो अभी तक कितने पैसे बनाए? रेवेन्यू मॉडल क्या है? यहाँ पे 3 अलग-अलग रेवेन्यू स्ट्रीम है। पहला, जो ये डिजिटल एसेट्स बेचे जाते हैं उससे हम रेवेन्यू कमाते हैं। दूसरा, जो इन गेम ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे हम एक ट्रांजेक्शन फी लेते हैं। और तीसरा, स्पॉन्सरशिप। ये जो 3 मॉडल्स है उसमें से किससे सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी तो पहला मॉडल ही है जहाँ पे हमने एसेट ड्रॉप किया और वहीं से हमने जो हमारा रेवेन्यू था वो भी जनरेट किया। कितना? हमने 1.2 CR का रेवेन्यू बनाया अभी। In what time period? हमने मई में अपना फर्स्ट NFT ड्रॉप किया था जिसके थ्रू हमने 1.25 CR। 4 महीने में 1.2 CR कमा लिया? वो एक ही हफ्ते में। उसके बाद अगला ड्रॉप कब होगा? अगला ड्रॉप अभी वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप हम करना चाहते हैं। अच्छा, तो चलो आपने एसेट्स ड्रॉप किए मई में, तो दैट मींस यूजर बेस ऑलरेडी था। जी बिल्कुल। अप्रैल मई में आपका MAU मतलब मंथली एक्टिव यूजर्स और डेली एक्टिव यूजर्स DAU कितने थे? हाँ, डेली एक्टिव यूजर्स 1000 से 1500। 1000 से 1500। कोई इन्वेस्टर नहीं है प्रायर? दे हैव एन इन्वेस्टर। है, तो वो वैल्यूएशन के बारे में बताइए।
पहला एक एंजल राउंड रेस किया था, उसमें हमने 2.5 सीआर रेस किया था 50 सीआर वैल्यूएशन पे, दैट हैपेंड अर्लियर दिस ईयर इन जनवरी, और उसके बाद हमने 12 सीआर रेस किए थे एट 200 सीआर वैल्यूएशन. क्या वो हमने कन्वर्टेबल नोट में किया था, साफ्ट में किया था. कैप इज 200 करोड़. कैप इज 200 करोड़. कब कब किया था ये हमने मई में किया था. एंड फ्लोर? फ्लोर 80 सीआर फ्लोर. तो अभी आप फ्लोर पे दे रहे हो? फ्लोर पे दे रहे हैं. आपका मंथली बर्न कितना है अभी? अभी हम लोग 40 से 45 लाख रुपए मंथली बर्न कर. कितना कैश बैलेंस बचा है आपका? हमारे पास अभी लगभग 10 सीआर का बैलेंस है. और ये जो 10 सीआर का बैलेंस है, कहाँ डिप्लॉय करने का प्लान? मेजॉरिटी तो प्रोडक्ट में ही जाने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट लिटरली अभी हमने बनाना ही शुरू किया है. और उसके अलावा हम स्टूडियोज के साथ बेसिकली पार्टनर भी कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि अगर एक गेम है जो बना हुआ है और जिसका ऑलरेडी एक यूजर बेस है, क्या हम उसे एक्वायर करके अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं? आप लोगों की पेडिग्री सॉलिड है, आप लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फोड़ोगे, बट मैं अभी इससे आउट हूँ. आपका वैल्यूएशन मेरे को ऑलरेडी हाई लग रहा है, 80 करोड़. और मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि जितना जल्दी हो सके गेम्स को ऐसा बनाओ कि नेटवर्क इफेक्ट बहुत जल्दी आए और आपके वायरलिटी आ जाए. नेटवर्क इफेक्ट ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें जितने ज़्यादा लोग प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ते हैं, उतना ही वैल्यूबल प्रोडक्ट और सर्विस हो जाती है. जैसे कि व्हाट्सएप, यदि आप अकेले होते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और आपके सारे दोस्त क्योंकि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं इसलिए आप भी यूज़ करना पसंद करते हैं. इसी को नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं. आई एग्री विद अमन के वैल्यूएशन इज टू हाई, पर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फिनेस नहीं है इन योर ग्राफिक्स, वर्क ऑन दैट. फॉर नाउ आई एम आउट. जितना मुझे लगता है, बहुत पॉपुलर गेम बनाना एक कठिन कार्य होते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, और उनके साथ कोलैबोरेट करें. क्योंकि आप लोग क्या स्ट्रैटेजी के लोग हो, आप जिस प्रोफाइल से आए हो, आप खुद आप उतने एंथुसियास्टिक गेमर नहीं हो. जिस लेवल की एंथुसियाज्म चाहिए टू क्रिएट दैट लेवल ऑफ यू नो गेमिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. वो पैशन नहीं दिख रहा मेरा, इस वजह से आज मैं आउट होना चाहूँगा. चैलेंज क्या आ रहा है ना, आपका सारा फोकस अभी बिजनेस बनाने में लग गया है, जो सारा फोकस जाना चाहिए गेम बनाने में. ठीक है, गेट द बेस्ट टैलेंट हु कैन थिंक इलॉजिकली, हु कैन थिंक नॉन लीनियरली. अभी ये काफी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट रहेगी. आज मैं बाहर हूं इससे. जहां तक मैं समझता हूं, मुझे लगता है जब आपने ये काम शुरू किया, गेम मार्केट वॉज हॉट, वेब 3.0 जिसे कहते हैं बहुत गर्म था, NFT ड्रॉप के नाम पे जितने चाहे पैसे उठ रहे थे, वो दौर खत्म हो चुका. But you have to wake up and smell the coffee. For these reasons, I'm out. If it works out, I'll be happily proven wrong. Good luck. Best of luck, guys. Thank you. All right, guys. Thank you. हाय शार्क्स, मैं हूं रोहित खन्ना, मैं जलंधर से हूं और मैं हूं फाउंडर टॉय शाइन का. टॉय शाइन एक प्री स्कूल एंड टॉडलर स्पेशलिस्ट इंडोर टॉय ब्रांड है, जो कि हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड यूनिक टॉयज बनाता है. हम न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 12 साल के बच्चों तक के लिए टॉयज बेचते हैं. शार्क्स, टॉय इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वैरायटी. और आज हमारे पास 2000 से ज्यादा यूनिक टॉयज, लगभग 1 मिलियन प्रोडक्ट रिव्यूज के साथ टॉय शाइन अमेज़न का एक लीडिंग टॉय ब्रांड है. शार्क्स, हमारा विजन है हर बच्चे का पहले से लेकर आखिरी टॉय टॉय शाइन से हो. हमारी आस्क है 1.25 करोड़ फॉर 0.5% ऑफ इक्विटी. वाओ, आर यू टॉयिंग विद अस? नो सर. 250 करोड़ की वैल्यूएशन, सर इतने हम क्या वैल्यू एड करेंगे? भाई एक चीज बता, तेरी सेल्स कितनी है? सर लास्ट ईयर हमने 45 क्रोस किया. लास्ट ईयर तो 250 करोड़ मांग सकते हो. अब बाकी क्वेश्चन शुरू करो. That was a good one. रोहित, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है. थैंक यू मैम. ये बताइए, आपने इस आइडिया के बारे में सोचा कैसे? टॉयज में कोई पास्ट हिस्ट्री थी आपकी? 2018 तक मेरे पापा का एक टॉय स्टोर था, तो मैं बचपन से ही टॉय देखकर और बेचकर बड़ा हुआ हूँ.
इसलिए मैंने अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस को कन्वर्ट किया एक डिजिटल ई कॉम कंपनी में विद टॉय शाइन। और आपने खाली ऑनलाइन किया, आपने कोई शॉप वॉप नहीं किया? सिर्फ ऑनलाइन किया, शॉप उल्टा बंद कर दिया हमने। कितना बड़ा बन गया था जब आपने दुकान बंद कर दी है? सर 2018 में हमने लगभग 10 करोड़ की सेल की थी। वेरी नाइस। 2020 में हमने किया 25 करोड़, 2021 में किया 40 करोड़ और 2022 में किया 45। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है तो चाइना क्वेश्चन। या ऑफ कोर्स कोई रेगुलेशंस आए जहाँ पे चाइना से इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। Absolutely. और 80-90% खिलौने जो आते थे हमारे देश में चाइना से आते थे। बिल्कुल। क्या आपको सबसे ज्यादा बढ़ावा चाइना बंद होने के कारण मिला है? चाइना से काम करने में हमारी वर्किंग कैपिटल बहुत ब्लॉक होती थी क्योंकि हमें 3-3, 4-4 महीने का ऑर्डर देना पड़ता था। हाँ जी। यहाँ पे हम थोड़ी कम सप्लाई से भी मैनेज कर पा रहे हैं। तो अभी आपका कितना बिजनेस इंडिया से आने लगा? मोर देन 85% हमारे टॉयज इंडिया से आ रहे हैं। तो आपका जब ये रिस्ट्रिक्शन आई तो उससे पहले साल कितनी सेल थी? 25 करोड़। और उसके अगले साल डबल हो गई, 40 हो गई। तो सर मतलब 1.5-2 साल का टाइम लगा वो सिलेक्शन को डिप्लीट होते, और तब तक कोविड का भी थोड़ा इम्पैक्ट था तो उसके कारण टॉयज की सेल को काफी बूस्ट भी मिला था। अभी करंट रन रेट कितनी है आपकी? 4-4.5 करोड़ अभी चल रहा है। 4-4.5 करोड़? तो बहुत अच्छी सेल है भाई। नहीं, बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि पिछले साल आपने 40 करोड़ किया, पिछले साल आपने 45 करोड़ किया, इस साल आप करेंगे 45-48 करोड़, तो आप फ्लैट हो। इस साल हमारा 52-54 के बीच क्लोज करने शायद अभी। हाँ। रन रेट चल रहा लेकिन है सर 48-50 समझिए। प्रॉफिट कितना हुआ 45 करोड़ में? सर लगभग हमारा नेट प्रॉफिट 15% है। वाओ। रोहित को वो दिखा दो यार, कोई सैंपल एम्पल क्वालिटी चेक हो जाएगी आपकी। ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। आ जाओ। अबे दो दो बॉल हैं। जो पहले जाए। क्या हो गया इसे? इसको क्या हिट करना होता है इससे? हाँ, जैसे अकेले ही आप टीटी खेलना चाहते हो या एक फ्रेंड के साथ। ये सही है। ये इंडिया में बना? नहीं सर, ये असेंबल होता है। ये चाइना का? रोहित भैया क्या करवा दिया आपने हमारे लोगों के साथ? शार्क से बेबी शार्क बना दिया आपने। आपने बताया आप 2000 यूनिक टॉयज बनाते हैं और हर हफ्ते एक नया टॉय बनाते हैं। डिजाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इतनी इनोवेशन कैसे करते हैं? वन सेकंड, जब 2000 इसके ही हो जाते हैं तो आप सप्लाई चेन कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि इतने सारे वैरायटी ऑफ टॉयज में मैनेज करना आसान तो नहीं होगा। ये एक हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है कि 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होने के बाद भी हमारा आउट ऑफ स्टॉक रेट 5% से कम है, तो मैनेज करते हैं सर। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है लेकिन मैनेज करते हैं। और डिजाइन कैसे करते हैं? इनोवेशन प्रोसेस सर, जो हमारे कोर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने हमारे लिए डिजाइन रिसोर्स टीम दी हुई है, तो वो हमारे लिए डेली बेसिस पे डिजाइन भेजते रहते हैं जिसमें हम अप्रूव करते रहते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है टू स्टैंड आउट एंड डिफरेंशिएट? मैम सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं, हमने रूट से काम किया, प्रोडक्ट से काम किया है। सिलेक्शन हमारी सबसे कोर स्ट्रेंथ है। पहले प्रोडक्ट ऐसा पकड़ो जो अच्छा है और मार्केट में नहीं है। ये तो सब बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत है ये सब। कॉमन है मैम, लेकिन आपको एक वेंडर एक रूफ के अंडर ये सब नहीं मिलेंगे। एक ब्रांड है स्मिगल करके, राइट, ग्लोबली। हाँ जी। काफी बड़ा ब्रांड बन गया है, पर उनके प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं वो थोड़े से क्वालिटी वाइज बेहतर लगते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सर हम जो प्राइस पॉइंट टारगेट कर रहे हैं, हम बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स पिच नहीं कर रहे हैं। हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 700 रुपए का है। कितने प्रोडक्ट होते हैं एक ऑर्डर? 1.2 ऑर्डर्स का हमारा वो है। तो 500 रुपए का एक प्रोडक्ट हो गया लगभग। ओके। आपने तो यार सॉलिड बिजनेस तो बनाया है, बट ये वाला नाम क्यों नहीं आता, टॉय शाइन निकल के क्यों नहीं आता बाहर? हमने इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं की इन्होंने, बाकी आई थिंक कंज्यूमर के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कंज्यूमर एक्सपीरियंस की, प्रोडक्ट प्राइस एंड इवन पोस्ट परचेज, तो पोटेंशियल है मतलब बिजनेस में भी। मेरे को आप बहुत अच्छे लगे और आपने काफी बड़ा धंधा बना लिया जो इंडिया में बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर इतना बड़े स्केल का धंधा बना पाते हैं, तो मुझे वो सब अच्छा लगा, बट ब्रांड नहीं बन रही है मेरे को जो फीलिंग आई एटलीस्ट। लास्टली मेरे को आपकी वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली ज्यादा लगी, तो मेरे को आधा परसेंट मिल भी गया,
मैं कब रिटर्न निकालूंगा वो भी समझ में नहीं आ रहा था। एज ए इन्वेस्टर मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा उससे। आज मैं इन्हीं रीजन से बाहर होना चाहूंगा। मेरे को आपसे बहुत अच्छा लगा। आपका मिशन आत्मनिर्भर इंडिया, मेक इन इंडिया, हमारा भी बहुत बड़ा मिशन है, उस पर कंटिन्यू करते रहिए। और सेकंड मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी कमोडिटाइज बिजनेस है आपका, थोड़ा सा ब्रांड की तरफ ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा करो कि लोग टॉय शाइन के नाम से आपको मांगे। तो आई एम आउट फॉर नाउ। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, 45 करोड़ की सेल्स करना इज नॉट अ जोक। बट पर्सनली मुझे इनमें डिजाइन में कोई ऐसी यूनिकनेस लगी नहीं। सो इट्स अ वेरी क्लटर्ड मार्केट, तो सेल्स ग्रोथ लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आई अग्री विद अमन कि थोड़ा मार्केटिंग पे आपने खर्चा नहीं किया, मे बी दैट इज समथिंग यू शुड लुक एट। विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट। मेरे को यही चैलेंज लग रहा है, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी लोकली, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये जो गेट कीपर्स हैं, हैमलीज है, अमेजोन है, फर्स्ट क्राई है, दे विल कीप स्क्वीजिंग यू, राइट? एंड मार्जिन कम होता रहे। तो अनलेस एंड अंटिल यू कैन क्रिएट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या एक पुल प्रोडक्ट जिससे आपकी छवि बने, जिससे आपकी आइडेंटिटी बने, आप स्ट्रगल करेंगे मार्जिन जनरेट करने। सो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, और इस वजह से मैं आउट हूँ आज। आप बहुत सही कर रहे हैं कि आप इनपुट्स पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया में मैंने खूब देखा है, 40, 45, 50, 100, 100 करोड़ पे आके ना ब्रांड्स अटक जाते हैं, और ये आपका आपकी सिचुएशन नहीं है। यहाँ से जो जर्नी है ना, वो डिफरेंट जर्नी है। आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसे चल रहे हो चलते रहो और 200 करोड़ का बिजनेस बना लोगे आप धीरे धीरे, पर अगर आपको ये वैल्यूएशन में जाना है तो वैल्यूएशन किस बात के लिए? सर मैंने ब्रांड बनाना पड़ेगा ना, वो आपको सबने फीडबैक दिया है। ब्रांड बनाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। अभी आपके प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, फिनेस नहीं है, ब्रांड के लिए डिटेलिंग चाहिए होती है, वो नहीं है, बाकी सारे इनपुट्स हैं। आई थिंक आपको ब्रांडिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। अभी मैं बाहर हूँ, बिकॉज आई डोंट सी एन एग्जिट। थैंक्स रोहित, थैंक्स ऑल फाइव स्टार। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग टू शार्क टैंक। ऑल द बेस्ट, बाय। इंडिया, आपके पास मौका है घर बैठे बैठे होम शार्क बनने का। सिर्फ एक गेम खेलना है सोनी लिव के ऐप पर, और डिसाइड करना है यहां आने वाले बिजनेसेस में स्टेक। टॉप 10 होम शार्क्स को हर हफ्ते एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। तो जल्दी डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव का ऐप और बनिए अल्टीमेट होम शार्क। अमित, आज शार्क एक्सपीरियंस में मदुराई से विद्युत का सवाल है। आपने जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे, आपने इन फेलियर्स के साथ कैसे डील किया और सक्सेस की ओर बढ़े? मेरा मानना है कि फेलियर्स कभी फेलियर्स होते ही नहीं, वो लर्निंग होती है, कुछ सिखा के जाते हैं आप। जब भी मेरे को फेलियर्स आए, बहुत सारे आए हैं मेरे को, इनफैक्ट फेलियर ज़्यादा हुए हैं, सक्सेस कम हुए हैं, और मुझे हमेशा लगा कि उस फेलियर के अंदर मैं कुछ सीखा और अपना बेटर वर्जन बना। जब भी मैं कभी डाउन हुआ, मैंने अपने साथ, अपने अराउंड, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया जहाँ मैं खुश हुआ, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताया जहाँ मैं खुश हुआ। तो आपके कुछ करीबी लोग होते हैं जो आपके उतार चढ़ाव को बिना देखे, आपको जज करे बिना आपके साथ रहते हैं बिना किसी उम्मीद के। जहाँ वैसा प्यार मिलता है ना, आप उनके अराउंड अपने आप को सराउंड करें जब कठिन समय में आए, और उससे बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है इस सपोर्ट के साथ। इंट्रोड्यूसिंग न्यूफनी, आपके ब्रेन का स्मार्ट वॉच। आप अपना स्ट्रेस, अपना फोकस, अपना अटेंशन और यहाँ तक कि अपना मूड भी ट्रैक कर सकते हैं। इसका एक्यूरेसी क्या है? 98%। मलाकी एक इंडियन बेवरेज ब्रांड है जो लोकल इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बनाया गया है। अच्छा टेस्ट है आपके स्पार्कलिंग वाटर, बहुत अच्छा है। वी हैव बीन सिलेक्टेड एज अ इंडियन ब्रांड फॉर सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैंने इस प्लांट से प्रीमियम अगावे स्पिरिट बनाना शुरू किया और इंडिया को एक नई अल्कोहल कैटेगरी दी। आप में से एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनोनिमस पॉपुलर है ना? आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और सरकास्म चलता है। एवरी डॉग हैज हिज डे। आज के डॉबरमैन तो हम हैं। या बेबी। आइसक्रीम, थैंक यू। मेरे को आइसक्रीम दे। हमारी आस्क है 1.2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.2% इक्विटी इन द कंपनी। कितना वैल्यूएशन? 600 करोड़। पिछले महीने कितना बिजनेस किया? 42 लाख। अरे वाह, एक महीने बाद। yes, सबकी बोलती बंद। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। और मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। हमने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक इट बिग, इन्होंने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक देयर कंपनी बिग। लोग बातें करेंगे, बातों में मत आओ। ये सब फेकू चंद है, इसकी बातों में मत आओ।
चलिए चलिए खत्म कीजिए यार।